हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और आज है ट्यूसडे, तो अभी टाइम हो गया है सुबह या दोपहर, सॉरी दोपहर या शाम कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या बोलना चाहिए। तो हो गया 3:30 और मैं जस्ट रेडी होने जा रही थी अभी, क्योंकि आज है चिल्ड्रन क्लब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि जिस दिन क्लब वगैरह रहता है तो उस दिन सुबह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना रहता है। तो मैं सोची कोई बात नहीं, जब मैं क्लब में जाऊंगी तभी से व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी और सीधा मैं आप लोग से क्लब में मिलूंगी, और क्लब से आने के बाद भी मिलूंगी, या तो फिर क्लब में देखेंगे जैसा होगा वैसे ही। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हमारा रात के छोटे छोटे कामों की वजह से सुबह का काम मेरा कैसे हो जाता है झटपट, और टाइम कैसे बचता है वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। फ्रेंड्स, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि वीडियो का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो जिसके वजह से मेरा वीडियो सजेस्टेड में नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो रैंक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं सोची वीडियो में मैं आप लोग को बता देती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरा वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए। तो बस यही आप लोग से कहनी थी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे बात को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और मैं तैयार हो जाती हूँ, ठीक है। और अभी मैं आ चुकी हूँ क्लब में, और अभी बच्चे लोग का गेम कराया जा रहा है। तो ऐसे ही होता है चिल्ड्रन क्लब पे, बच्चे लोग का गेम होता है, बच्चे लोग खूब सारा इंजॉय करते हैं और हमको भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और महीने में 2 दिन चिल्ड्रन क्लब रहता है, और मुझे ना यहाँ पे मौका नहीं मिला था बात करने के लिए। और देखिए आरुष घूम रहा है इधर उधर, तो फिर मैं घर में आके आप लोग से मिलूँगी बात। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हो चुकी है शाम के टाइम, और क्लब से आने के बाद मतलब आधा घंटा हो चुका है क्लब से आते हुए मेरा। तो क्लब से आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत काजल लिपस्टिक वगैरह लगाई थी ना, उसको मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि बहुत इचिंग हो रहा था। तो कभी कभार ऐसा होता है, मतलब गर्मियों के चलते, अभी गर्मी भी बहुत है ना, तो गर्मी के चलते ऐसा होता है, तो इसीलिए मैंने रिमूव करके फिर फेस वॉश से फेस को वॉश कर लिया है। और आज उसको मैंने नाश्ता दे दिया है, क्योंकि आज मतलब कल जो बनाई थी ना पनीर सैंडविच, तो उसका स्टफिंग थोड़ा सा था, तो उसको मैंने पनीर सैंडविच बना के दिया। उसको बहुत पसंद होता है, वो खुशी खुशी खा लेता है। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए हाथ में जो मेहंदी लगाई थी ना मैं, तो नाखून में भी लगाई थी, तो ये छूट रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में ना, ये देखिए कैसा लग रहा है हाथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि रात के कुछ छोटा छोटा कामों की वजह से मेरा सुबह का काम जल्दी हो जाता है और सुबह का टाइम भी बचता है। तो मेरे लिए ये वीडियो तो बहुत यूज़फुल है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, क्योंकि रात में छोटा छोटा जो काम है वो करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, मतलब ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन बोल सकते हैं उसको, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब 10 मिनट या आधा घंटा ही लगता है। तो वो अगर करके रखते हैं तो सुबह में जो कि सुबह का जो काम है ना वो जल्दी हो जाता है, दूसरा तो काम फटाफट हो जाता है, तीसरा तो बहुत फ़ायदा है इसका। मतलब सुबह में कई बार क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, मुझे तो अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है 7:30 बजे, मतलब 7:30 बजे के पहले ही मुझे सारा ब्रेकफास्ट का तैयारी वगैरह कंप्लीट करनी होती है। तो सुबह जब उठती हूँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग में, तो मन भी नहीं करता है इतना सुबह उठ के सारा काम तैयारी वगैरह करना, थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। तो ब्रेकफास्ट का जो प्रिपरेशन है वो अगर रात में करके रखते हैं तो सुबह उठ के काम में मन भी लगता है और काम झटपट से हो जाता है, टाइम बचता है। फर्स्ट मैं सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है, तो उसी अकॉर्डिंग फिर मैं सारे तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी हम लोग ने डिनर कर लिया है, और डिनर करने के बाद ही मैं सुबह का तैयारी वगैरह करती हूँ। तो अभी मैं आलू छील रही हूँ, तो इसको मैं बॉयल करूँगी, क्योंकि कल सुबह में मैं बनाऊँगी आलू के पराठे,
तो आलू को बॉयल कर लूँगी और बॉयल करके ऐसे ही रख दूँगी। कभी कभार मैं क्या करती हूँ, आलू का जो स्टफिंग है वो मैं रात में ही बना लेती हूँ। तो अभी गर्मियों का दिन है तो मैं सोच रही हूँ शायद ख़राब ना हो जाए, इसीलिए सिर्फ आलू को बॉयल करके रखूँगी, तो उससे मेरा बहुत ही आसानी रहेगा और मेरा टाइम भी बचेगा। और इसी तरह से मैं एक एक करके सारा काम कर लूँगी। तो कभी कभार मैं सब्जी सब्जी बनाती हूँ, तो जैसे कि भिंडी या तो फिर आलू फ्राई, तो आलू को मैं काट करके रखती हूँ और भिंडी को भी मैं कट करके रखती हूँ। तो भिंडी को कट करके मैं एक एयरटाइट कंटेनर में रख देती हूँ, और आलू का फ्राई, आलू भुजिया मतलब आलू फ्राई जब करते हैं तो उसको आलू को ना पानी में डाल के रखते हैं, क्योंकि आलू को फिर एयरटाइट कंटेनर में कट के रखेंगे तो वो काला पड़ जाता है। तो इस तरीके से जब छोले बनाने होते हैं तो सुबह में छोले को मैं भिगो के फिर रात में उसको बॉयल कर लेती हूँ, और सुबह के टाइम सिर्फ उसको छौंकना होता है। तो इस तरीके से छोटा छोटा काम जो की है वो मैं रात में कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे सुबह जो की है बहुत सुबह का काम बहुत झटपट हो जाती है और टाइम भी बचता है। तो अभी मैं आटा लगाऊंगी क्योंकि आलू के पराठा के लिए, तो आटा भी मैं रात में ही लगा देती हूँ, और ये ख़राब नहीं होती है और इसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, तो ऐसे ही ढक के रख दूँगी। तो आटा में थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के आटा को जैसे गूँधते हैं रोटी बनाने के लिए, जैसे आटा गूँधा जाता है वैसे ही आटा को गूँध के रख दूँगी, और फिर बाकी देखेंगे और क्या काम है वो मैं कर लूँगी। तो किचन का भी काम हो गया है, बर्तन वगैरह, तो किचन क्लीन भी हो चुका है। और एक बार ये सब काम करने से और एक बार थोड़ा सा मतलब किचन गंदा हो जाता है, तो लास्ट में एक बार किचन को पोछा लगा दूंगी। तो आटा भी लग चुकी है, इसको ढक के मैंने रख दिया है साइड पे, और कुकर में आलू भी बॉईल हो चुका है तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो इसको अभी ऐसे ही रख देंगे, और सूजी फ्राई करके रखूँगी क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी जो आरुष को बहुत पसंद है, और आरुष के लिए ही बनाऊँगी। तो थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ही सूजी को फ्राई करके रख रही हूँ, तो मॉर्निंग में सिर्फ बनाऊँगी। तो इसको फ्राई करके अभी रख रही हूँ, तो मॉर्निंग में वो फ्राई करने का जो झंझट है वो नहीं रहेगा और टाइम भी मेरा बच जाएगा, तो उस टाइम मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। और ये जब फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं एयरटाइट कंटेनर में ही रखूँगी और फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसको भी बाहर में रख दूँगी। और ये इसको मैं फ्राई करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तभी जाके इसको कंटेनर में रखनी होगी। तो बस ये ठंडा हो चुकी थी और इसको मैंने एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है, और इसको भी मैंने आटा जहाँ पे लगा के रखा है वहीं पे मैं रख दूँगी। और इधर देखिए आलू भी बॉयल हो चुकी है, तो आलू को भी मैं एक बाउल में रख रही हूँ, इसको भी मैं ढक कर के रख दूँगी क्योंकि प्याज वगैरह अभी नहीं काट सकती हूँ, क्योंकि प्याज वगैरह काट के रखने से ख़राब हो जाती है वो। तो इधर मैंने आटा लगा लिया है और सूजी का हलवा बनाऊंगी, तो इसीलिए सूजी को घी से फ्राई कर लिया है और आलू भी बॉयल कर लिया है, क्योंकि कल बनाऊंगी मैं आलू के पराठा। तो आलू का स्टफिंग कभी कभार मैं रेडी कर लेती हूँ रात में ही, तो वो विंटर के टाइम करती हूँ, अभी गर्मियों का दिन है तो खराब हो सकती है, इसलिए मैंने कल सुबह में ही मतलब आलू का स्टफिंग रेडी करूंगी। और सूजी का हलवा बनाऊंगी सिर्फ आरुष के लिए, क्योंकि आरुष को सूजी का हलवा बहुत पसंद होती है, पराठे के साथ खास करके उसको मतलब स्वीट डिश उसको बहुत पसंद है। तो हम लोग को तो जनरली मतलब आलू का पराठा बनाते हैं तो चाय के साथ ही खाते हैं, इनको भी चाय के साथ ही पसंद होता है, मुझे भी। तो चाय का डब्बा और चाय पत्ती का डब्बा और चीनी का डब्बा भी निकल के रखूंगी, क्योंकि क्या होता है कई बार जल्दबाजी में काम करते हैं तो आपके सामने में कुछ चीज रखा है तो मिलता नहीं है, और जल्दबाजी में हड़बड़ी में काम करते हैं इसे तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं चाय पत्ती और चीनी का डब्बा को निकाल के रखूंगी, तो उससे भी टाइम मेरा थोड़ा सा भी बचेगा। और इस तरीके से जो की है मैं रात का कुछ कुछ काम जो की कर लेती हूँ, बर्तन कर लिया है, बर्तन भी कर लेती हूँ, तो उसे भी मतलब काम जल्दी जल्दी हो जाता है, टाइम बचता है और झटपट सब काम हो जाता है। गैस वगैरह पोंछ पाछ के मैं रेडी कर लेती हूँ, मैं किचन का भी क्लीन कर लेती हूँ, तो सुबह में उतना झंझट नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो की है मैं रात का जो छोटा छोटा काम होता है तो उस काम की वजह से मेरा सुबह का काम जो की है वो आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। दो फायदा है, एक तो झटपट हो जाता है
और दूसरा कप का टाइम बचता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है, क्योंकि 7:30 बजे के पहले मुझे नाश्ता बनानी पड़ती है। मैं सोची चलो क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग को भी एक आइडिया मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी कर दीजिएगा प्रेस, ताकि मेरा न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। इधर चाय पत्ती, ये चाय पत्ती और चीनी का डब्बा भी मैं निकल कर रख रही हूँ, और बाकी सारा तैयारी वगैरह हो गया है। प्याज भी सामने रख देती हूँ ताकि झटपट समय काट पाऊँ। ये देखिए प्याज भी मैंने, प्याज को भी रख दिया है मैंने, ताकि मैं काट पाऊँ, जल्दी जल्दी से इसका काटिंग कर पाऊँ। और बस तरीके से जो कि ब्रेकफास्ट का सारा तैयारी हो चुका है।